नमस्कार मेरे प्यारे साथियों साथियों, आज मैं इस वीडियो में तिब्बत के महान संत लोबसंग रामपा जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। उन्होंने 19 किताबें लिखी थी। उन्होंने शरीर छोड़ दिया था 1981 में। 19 किताबें लिखी और उन्होंने ओरिजिनल जो उनकी किताबें हैं वो इंग्लिश भाषा में हैं, अंग्रेज़ी में। मुझे ये देख करके बड़ी खुशी हुई। YouTube पे कई वीडियोस हैं, कई लोग बड़ी मेहनत करके प्रयत्न करके उनकी पुस्तकों पर ऑडियो बुक्स बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं YouTube पे, यानी कि हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में उस पुस्तक में क्या है उसको ऑडियो के ज़रिए, यानी कि बोल करके अपनी आवाज़ में वो पूरा बता रहे हैं। बहुत लोग खास करके पश्चिम के देशों में उनको फेक मानते हैं कि भाई वो तो अंग्रेज था, वो तो तिब्बत गया ही नहीं, वो तो झूठ बोल रहा है कि मैं तिब्बत में ही, मेरी ट्रेनिंग हुई है, तिब्बत में ही जन्मा हूँ मैं। वो लोग ऐसे लोग हैं जो ट्रांसमाइग्रेशन के प्रोसेस को नहीं मानते, यानी कि दूसरे शरीर में आकर के रहना। तो क्या हुआ था कि उनका अपना शरीर जो है वो कई कारणों से क्षतिग्रस्त हो गया था, रहने लायक नहीं था। फिर जो पावर्स पृथ्वी पर जीवन को कंट्रोल करती हैं, उन्होंने देखा भाई इनका काम तो मनुष्य के भले के लिए अभी बाकी है, किताबें लिखनी हैं। तो उन्होंने इंग्लैंड में एक आदमी खोजा जिसका नाम था साइरन हॉस्किन। वो अंग्रेज़ था और अपने जीवन में कुछ नहीं था, परेशान था। तो उन्होंने जब वो नींद में था तो उसको कॉन्टेक्ट किया, ऊपर जो डिवाइन पावर्स हैं उन्होंने, और उसकी इच्छा से उसको मुक्ति दे दी। और फिर उसके शरीर में लोबसंग रामपा जी आकर के रहे हैं और उन्होंने 19 किताबें लिखी हैं। अब जो लोग ट्रांसमाइग्रेशन के प्रोसेस को नहीं मानते तो वो कैसे विश्वास करें? वो तो कहते हैं भाई ये तो अंग्रेज था, झूठ बोल रहा है, तिब्बत गया ही नहीं। ऐसी बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों। उनकी किताबों के ऊपर बहुत लोग ऑडियो बुक्स हिंदी के अंदर बना रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जो लोग अंग्रेज़ी भाषा नहीं जानते उनको भी फायदा होगा। लेकिन वो ऑडियो बुक्स हैं, उनकी पुस्तक में क्या लिखा है उसके बारे में मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी पुस्तकें पढ़ कर के बहुत लाभ हुआ, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, भौतिक से भी। उनकी पुस्तकों के संपर्क में मैं आया था पहली बार आज से करीब 50-52 साल पहले। तो उसके बाद उन्होंने 19 किताबें लिखी। उन्होंने शरीर छोड़ा था अपना सन 1981 में। तो मैंने सभी पुस्तकों का गहराई में अध्ययन किया है। तो मैं कुछ वीडियोस बना करके आपको उनकी पुस्तकों में जो कुछ ज्ञान, सच्चा ज्ञान है, उसकी गहराई में विश्लेषण करके आपके आगे रखूँगा ताकि आप उसको अपने जीवन में उतार सकूँ। तो ये मैं सोचता हूँ कि कुछ वीडियोस मैं इस पे बनाऊँ। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ केवल अपनी इस भावना को व्यक्त करना चाह रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि ऑडियो बुक्स तो हो गई, आपको ये पता चलेगा उस पुस्तक में क्या लिखा है उन्होंने, लेकिन उस पुस्तक में जो कुछ ऐसा ज्ञान है गहराई में जिससे मुझे लाभ हुआ। उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग, यानी कि शरीर से बाहर निकल के भ्रमण सूक्ष्म शरीर द्वारा, जो कि सभी, ऑलमोस्ट सभी गहरी नींद में करते हैं। तो मुझे पहली बार जो एक्सपीरियंस हुआ उनकी पुस्तकें पढ़ने के बाद ही हुआ। मैं नीचे, यानी कि मेरा शरीर नीचे गहरी नींद में सो रहा है लेकिन मैं बाहर हूँ शरीर के, यानी कि मेरा जो सच्चा स्वरूप है वो सूक्ष्म शरीर द्वारा शरीर से बाहर निकला, जबकि मेरा भौतिक शरीर गहरी नींद में सो रहा है। उसके बाद तो फिर अविश्वास की बात ही नहीं, फिर तो विश्वास हो गया कि हाँ भाई ये तो महान संत थे, उन्होंने जो लिखा है सही लिखा है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में बहुत कई लोगों ने भ्रमित कर रखा है, झूठा ज्ञान दे रखा है, उससे डराया है, जबकि ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है अगर आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर पाओ तो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ जिनमें मैं उनके द्वारा लिखी गई जो कुछ बातें हैं उनको, उनका विश्लेषण करके उनको
आपके आगे रख सकूं, ताकि आप उन बातों को अपने जीवन में उतार करके आप भी लाभान्वित हों। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।